माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। पहले तो 70वें स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान भी बहुत मेहरबान है, आसमान से वर्षा भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो भगवान भी बहुत खुश हैं, इंसान भी बहुत खुश हैं। और आज के इस खुशनुमा वातावरण में जो ये जो आयोजन हुआ है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल है, हिंदुस्तान के बाहर सबसे बड़ा आयोजन है, पर इनका बहुत बहुत अभिनंदन। दुनिया में कोई हिस्ट्री क्रिएट करना आसान काम नहीं होता है। यूएस के हमारे प्रवासी भाई ऐसे हैं, उन्होंने समृद्धि में, प्रॉस्पेरिटी में, सफलता में, सक्सेस में, पावर में, हर जगह सफलता के झंडे गाड़े हैं, और गाड़े भी क्यों नहीं। अमेरिका बहुत अच्छा देश है, लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री खोजने जाते हो तो 500 साल से पहले आपको कुछ मिलता नहीं है। 500 साल पुराना इस देश का इतिहास क्या है, लोगों को शायद पता नहीं है। 2000 साल पुराना, उसके पीछे बिफोर क्राइस्ट यूरोप का इतिहास नहीं मिलता है। 1400 साल पहले सऊदी अरबिया और इस्लाम का इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन करीब 200 करोड़ वर्ष पुराना जिस देश का इतिहास है, वो हमारा भारतवर्ष है। भारत माता की। 1,96,08,53,117 वर्ष पुरानी भारत की संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, जिस भारत ने पूरी दुनिया को सबसे पहली संस्कृत और सभ्यता दी, जिस भारत ने पूरी दुनिया को सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम दिया, हेल्थ सिस्टम दिया, फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम दिया, जिस भारत ने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई, वो विश्व गुरु भारत देश हमारा। वो जगत गुरु भारत, वो हमारा देश, अतीत का गौरव। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसके पीछे तीन ताकतें होती है, अतीत का गौरव, वर्तमान का पुरुषार्थ, और स्वर्णिम भविष्य का सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने हिंदुस्तान को भी बहुत आगे बढ़ाया है, और हमारे प्रवासी भारतीयों ने अमेरिका को भी बहुत आगे बढ़ाया, और पूरी दुनिया को आगे बढ़ाया। भारत माता की जय। वंदे मातरम। देखो, हिंदुस्तानियों की खास बात होती है, जहां होते हैं वहां उसके पूरे होकर के रहते हैं। हम हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, और लेके गए हैं, और आगे भी अमेरिका को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है, और अभी जो हमारे इस समय की जो पीढ़ी, उसकी तो ये जन्म भूमि भी है। बहुत से यंगस्टर्स की ये कर्म भूमि है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ये कर्म भूमि ज्यादा है जन्म भूमि से, पीछे की भी होगी। आपने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, आगे भी बहुत कुछ करना है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, इंटेलेक्चुअली भी, बहुत कुछ है, और इस मुल्क में हिंदुस्तानी भी किसी से कम नहीं है। यदि इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा दो पावरफुल कम्युनिटियों को बोला जाए तो जोइस और इंडियन, यही सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अभी आप देखो, पूरी दुनिया इकोनॉमिकली लीड होती है, जो आर्थिक शक्ति में आगे होता है वो पूरी दुनिया को लीड करता है। आप इंडियन लोग थोड़ा एक काम और कर लो, इकोनॉमिकली तो आप बहुत पावरफुल हो गए हो, थोड़े पॉलिटिकली भी पावरफुल हो जाओ। उसके लिए आपको ना थोड़ा सा यूनाइट होना पड़ता है। वैसे तो ये यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ तो आप यूनाइट दिखते ही है, और जिस तरह से आप लोगों में यहाँ एकता है, और यह एकता खाली एक दिन के लिए ही नहीं, हर दिन के लिए यह एकता की मिसाल यहाँ पर कायम रहे। और एफआईए ने सबको एक करने का बहुत बड़ा प्रयास किया, तो एफआईए के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। थोड़ा जोर से बोला करो, भारत माता की जय। अब ऐसे लगा कि मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं हूं, हिंदुस्तान के अंदर समाया हुआ। आपको भी बहुत आगे बढ़ना है, और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आप करीब करीब 50% टैक्स देते हो,
40-50 हो जाता है सब मिला के। हाँ तो आप जितना कमाते हो 40-50% तो इसको भी दे देते हो, देना भी चाहिए, इसी से पाया है इसको देना चाहिए। 10% अपने इंडिया के लिए भी दे दे रहे। भारत माता की। और वहां पर भी हेल्थ के, एजुकेशन के, सोशल अवेयरनेस के बहुत काम करने की जरूरत है। आज भी हिंदुस्तान यद्यपि बहुत आगे बढ़ रहा है और आने वाले 20-25 सालों में पूरे वर्ल्ड को लीड करने की ताकत हिंदुस्तान को मिलेगी, उसमें आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है और बड़े बड़े काम करने अपने को। और सबसे बड़ा काम आपको भी करना है, आपको ये करना है, सुबह सुबह उठ करके योग किया करो, नहीं तो हिंदुस्तानी नहीं कह रहा हो। कोई हिंदुस्तानी हो और योग ना करे तो कहेंगे अरे इसको कुछ नहीं आता, ये हिंदुस्तानी सच्चा नहीं है, कुछ गड़बड़ घोटाला है, दाल भी काला है। तो सुबह सुबह उठ के क्या करना, सुबह सुबह उठ के सुबह सुबह उठ के ए खड़े खड़े तुम भी करो, कुछ तो मुंह से कर रहे, मुंह से नहीं करना, नाक से लेना करो। तो जो सुबह सुबह जोर से फूंक मारेगा उसको कोई बीमारी पास में नहीं आएगी। और आजकल मोटे भी बहुत हो गए हैं लोग, जितने मोटे उतने खोटे। तो सुनो ये हमारी बहन जी इधर तो एक तो ठीक है, इधर मोटा हो गया है दूसरा। चलो मैं तो बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद कपाल भाती करने के। देखो ये क्या करो खड़े, हाँ हुआ हुआ कर, ये पहली बार भी सीख गए तो। तो सुबह सुबह बाबा जी की सब किया करो, ये हमारे NYPD वाले भी कर रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी वेल, इट्स वेरी गुड। सो देखो ए सबको करना चाहिए, कुछ यहां से बढ़ गए, कुछ इधर से बढ़ गए, और किसी किसी के तो ये भी बहुत मोटे हो गए, बहुत खराब लगता है। तो सुबह सुबह उठ के कपाल भाती किया करो, और बहुतों का दिमाग बहुत खराब रहता है, गुस्सा बहुत आता है, एंगर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफ, पीसफुल लाइफ के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। एक बार ट्राई करके देखो कितना सुहाना मौसम हो गया, अभी तो योग करने का मौसम हो गया है। देखो ऐसे ट्राई करके देखो ना, बड़ा मजा आता है। सुनो इसे लेफ्ट ब्रेन नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन एकदम बैलेंस हो जाता है, बहुत जबरदस्त है। और जो अनुलोम विलोम करेगा उसको स्ट्रेस नहीं होगा, और उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो नो ब्लड प्रेशर, नो स्ट्रेस, नो हार्ट प्रॉब्लम, नो न्यूरो प्रॉब्लम्स, नो इंसोम्निया, कितना जबरदस्त है। और मुफ्त का है, नो पेमेंट, अनपेड है सब कुछ, फ्री है सब कुछ। अनुलोम विलोम क्या करो, तो तीन बता दिए, ये और ये, तीन तो कर लोगे ना। फिर एक बार जोर से ओम बोल लिया करो, सब बोलो ओ, ऐसे नहीं, एक साथ सांस भरो ओ, ऐसा लगता है मैं पूरा हिंदुस्तान में आ गया। बाबा जी की। और सुनो
अब तो जब से मोदी जी ने यूएनओ में इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव रखा और 177 कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया, आज पूरी दुनिया योग को मान रही है। ये भारत की जीत है, ये बहुत बड़ी बात है। योग को पूरी दुनिया मान रही है। हम आध्यात्मिकता और आधुनिकता को साथ लेकर के चलने वाले हैं। एक तरफ आध्यात्मिकता और एक तरफ आधुनिकता, एक तरफ मेटलिस्टिक साइंस और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल साइंस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया को सुखी, समृद्ध और शांत बनाएंगे। योग में ही नॉन वायलेंस है, योग में ही ट्रुथ है, योग में ही सबकी सेवा है, योग में ही सौमनस्यता है, ब्रदरहुड है, कोएक्जिस्टेंस है, वननेस है, लव है, कंपैशन है। भारत की संस्कृति में दुनिया के सारे सत्य समाहित हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व। मेरे साथ में बोलिए एक बार, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। सबको गाना पड़ेगा और ऐसा करके दिखाना भी पड़ेगा। सब गाइए, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फौलाद बनो। खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को, तुम्हारे कारवां को हर जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच बाबा जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी है। थैंक यू।